की ताज़ा खबर, अखिल भारतीय तीरथ पुरोहित सम्मेलन संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय तीरथ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करने पहुंचे देश भर के तीरथ पुरोहितों ने सनातन धर्म पर लगातार हो रहे लगातार हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित अभद्र टिप्पणी और बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ साथ उनके बहिष्कार का भी ऐलान किया है। तीरथ पुरोहितों ने कहा है कि अगर सनातन धर्म को अपमानित और नीचा दिखाने वाले साधु संत सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों पर आएंगे तो तीरथ पुरोहित उनका भी बहिष्कार करेंगे। हालांकि अखिल भारतीय तीरथ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक चतुर्वेदी ने कहा है कि ऐसे लोग सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों में नहीं जाते हैं। इसके साथ ही तीरथ पुरोहितों के राष्ट्रीय अधिवेशन में धार्मिक स्थलों को सरकारी कब्जे में लिए जाने का भी विरोध किया गया है। अधिवेशन में हरिद्वार से आए तीरथ गंगा महासभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि सनातन धर्म के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के कारण प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यह एक तरह से अपनी मां की मर्यादा पर ही सवाल उठना है। वहीं नासिक से आए तीरथ पुरोहित श्री सतीश शुक्ला ने कहा कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सीएम स्टालिन के बेटे द्वारा सनातन धर्म पर जो कहा है यह मानसिक विकृति है। वही प्रयागराज के इस अखिल भारतीय तीरथ पुरोहितों की सभा में साफ तौर पर कहा है देश में हिंदुओं की आस्था वाले मंदिरों पर सरकार द्वारा एक तरह से अधिग्रहण की कोशिश हो रही है। हमारी जो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा है उसके साल में दो कार्यकारिणियों की मीटिंग होती है। ये जो हमारा कार्यक्रम होने हो रहा है इसमें हमारे भारत वर्ष के करीब 85 से 90 तीर्थों के प्रतिनिधि आए हैं। इसमें अभी हम लोग में जो चर्चा हो रही है जिसमें स्वतंत्र देव सिंह जी भी जो कैबिनेट मंत्री हैं जल पूर्ति मंत्री यहाँ के वो हैं, हमारी बहन रीता बहुगुणा जो यहाँ की सांसद हैं और वाजपेयी जो यहाँ के लोकल विधायक हैं हमारे अशोक वाजपेयी जी के पुत्र वो भी हैं। तो एक तो हम जैसे मंदिरों के अधिग्रहण की बात चलती है तो हमने उस मुद्दे पर चर्चा की कि मंदिरों का अधिग्रहण न किया जाए और तीर्थों को तीर्थ की भावना से डेवलप किया जाए, क्योंकि पर्यटन और तीर्थाटन में फ़र्क है। पर्यटन में आदमी अपने शौक मौज उसके लिए जाता है जबकि पर्यटन में तीर्थ की भावना को लेकर के जाता है। अभी जैसे मद्रास में ये पॉइंट उठा कि सनातन धर्म को ख़त्म किया जाए, जैसे कि सनातन की बात आई तो इस पर भी लोगों ने अपने विचार रखे और इस पर चर्चा हुई कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा फिर हमारा ये चुनाव जो कि हर 3 साल में होता है, आज पूरी दुनिया के अंदर जो जय जयकार हो रहा है, देश का जय जयकार हो रहा है, ये 125 करोड़ देशवासियों के कारण, यहाँ उपस्थित पुरोहितों के कारण, जो सभी लोगों का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, उनकी जन्मदिन पर हम लोग आज उनकी एक तरह कहा जाए कि 17 को जन्मदिन पूर्व संध्या के अवसर पर ये पुरोहित भी सब आशीर्वाद दे रहे हैं उनके दीर्घायु के लिए, उनके यशस्वी के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, ये मतलब सभी लोग एकत्रित हुए आशीर्वाद देने के लिए। सनातन धर्म लोग हमला कर रहे हैं चाहे साउथ इंडिया में सनातन धर्म को लेकर रामायण, यहाँ उनके लिए कोई संदेश? देखिए सभी को संदेश, सभी को दिशा दिया जाता है, सभी लोग अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, शांति और समृद्धि के रास्ते पर मार्ग, ना आतंकवाद हो, गुंडागर्दी हो, न वो हो। और यहाँ प्रस्ताव भी महेश पाठक जी लाने वाले हैं, अपना प्रस्ताव भी पास करेंगे सब पर कि इस प्रकार के भाषाओं से बचना चाहिए लोगों को। और सनातन तो जाने कब से है और सभी लोग हैं सनातन धर्म के, कुछ था ही नहीं पहले, केवल सनातन था और सनातन से निकले हुए सभी लोगों का मतलब सनातन ही है। और सनातन तो एक तरह के लोगों को दिशा, संस्कार, शांति, धर्म, मतलब लोगों को पूजा पाठ करने का प्रोसेस। हमला करें उनके लिए भी कोई संदेश दिया जाएगा यहाँ से? लोग सुधरेंगे सुधरेंगे, लोग सुधरेंगे, बाकी महेश पाठक जी बोलेंगे, बाकी सुधरेंगे। देखिए आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी योगी जी के आने के बाद धर्म के मंदिरों का अपना प्रचार प्रसार जो है दुनिया के अंदर बढ़। अब देखें दुनिया के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं तो अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ का गंगा आरती करते हैं, आज अक्षर धाम घूमते हैं लोग, कन्हैया का धाम घूमते हैं, तो आज कांवड़ यात्रा भी पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है,
जो 17 के पहले थी, देश की स्थिति क्या थी 17 के पहले, आप तो देखें लोग टीका लगाने में डरते थे, मतलब एक तरह के आज सब कुछ यानी अपने विचारधारा जो है, अपना विचारधारा है उस विचारधारा के अनुकूल है और पूरी दुनिया के अंदर इसलिए देश का सम्मान बढ़ रहा है, हमारा सम्मान बढ़ रहा है, सिंगर पूरा विकसित हो रहा है और एक तरह का आपको दुनिया में दिखेगा, देश में दिखेगा, पर्यटक बढ़ेंगे, लोग आएंगे दर्शन करने, वहाँ पर्यटक बड़े पैमाने, जिसके कारण वहाँ आर्थिक उन्नति आसपास के लोगों की होगी, हर प्रकार का विकास होगा वहाँ।